थैंक यू. एज आई जस्ट सेड दैट दिव्या को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस साल वो बहुत तरक्की करे, बहुत खुश रहे, शार्दुल जैसा क्यूट सा लड़का देखे और डेटिंग चालू कर दे. मैं आपको बता तो रहा था, मैं नौरा फतेही को छोड़ के दिव्या के लिए आया हूँ. किसी भी लड़के से आप पूछिएगा, ये काफ़ी बड़ी सैक्रिफाइस होती है कि आपके बगल में नौरा खड़ी हुई हैं और आप उन्हें बोल रहे हो कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त के बर्थडे पे जाना है. तो आई थिंक इससे बड़ा, आई थिंक इससे ज़्यादा प्यार आई थिंक दिव्या को किसी लड़के ने नहीं किया होगा अभी तक. आई थिंक मैं अभी क्या होता है, जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो आप उन्हें बेहतर समझते हो. मैं और दिव्या फ्रेंड्स तो काफ़ी समय से रहे, लेकिन जब हम ट्रैवल करें अभी और हम साथ में घूम कर आए तो आई थिंक आई नो हर बेटर नाउ. मेरी एडवाइस सिर्फ यही रहेगी कि दिव्या जैसी एग्जैक्टली वैसी रहे, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ऑनेस्ट है. वो ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, वो जैसी है वैसी रहती है और आई थिंक शी गिव्स अ लॉट ऑफ लव. सो आई जस्ट होप दैट शी स्टेज द सेम. सैड ऑब्वियसली हैं. आई थिंक जब आप एक शो करते हैं तो आप बहुत टाइम एंड एफर्ट उसमें देते हैं, एंड यू नो फॉर एनी एक्टर एनी शो गेटिंग शो शट डाउन दुख की बात होती है, पैसे भी रुक जाते हैं. सो या नो आई थिंक आई एम अ लिल सैड अबाउट चन्ना मेरा, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने रेडियो के साथ साथ टेलीविजन शो किया है. ऐसा बहुत कम होता है. माय कास्ट वाज वेरी गुड. नियति एंड करण वर फैंटास्टिक टुगेदर. मेरा फेवरेट अभी तो अब्दू है, बिकॉज आई थिंक जब भी आप शो देखते हैं आपको अब्दू बड़ा प्यारा लगता है, और शालीन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड अर्चना. या मुझे नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि कौन रियल है और कौन फेक है. अ मैसेज टू माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गिव अस, एंड प्लीज कंटिन्यू.